हेलो गाइस, टुडे विद बीबी वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हिमांशी खुराना और आसिम रियाज के बारे में। हमने देखा ये काफी टाइम से बिजी थे अपनी शूटिंग्स और अपने प्रोजेक्ट्स में, इसीलिए ये टाइम नहीं दे पाए दोनों एक दूसरे को। हमने देखा कि ये रिसेंटली एक ट्रिप पर गए जहां ये बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे थे, और उसी ट्रिप पर इन्होंने की एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट। अपनी फैमिली का कोई भी पर्सन इन्होंने ऐड नहीं किया अपनी एंगेजमेंट में, और इन्होंने पोस्ट लगाई और मेंशन किया कि इन दोनों ने एंगेजमेंट कर ली है। असल में ये ट्रिप पर जाना सिर्फ यही रीजन था कि ये एंगेजमेंट एक हसीन और खूबसूरत जगह पर कर सके और अपने इस मोमेंट को बहुत ही ज्यादा अच्छा और खूबसूरत बना सके। इस दौरान हमने देखा आसिम और हिमांशी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे और ये दोनों वहाँ बहुत ही इंजॉय भी करते हुए नजर आए। इन्होंने जब पोस्ट शेयर की तो इनके बहुत से फ्रेंड्स ने इन्हें बेस्ट विशेज दी, और बहुत से लोगों ने इस चीज को भी इशू बनाया कि इन्होंने किसी को बुलाया क्यों नहीं। इनका अचानक से एक ट्रिप पर जाना और वहाँ अचानक से एंगेजमेंट कर लेना, इसमें क्या रीजन है? हमने देखा हिमांशी और आसिम अब अक्सर साथ में नजर आ रहे हैं, और हिमांशी अक्सर आसिम की फैमिली में होती हैं। वो उनकी फैमिली में बहुत ही डिसेंट और सिंपल ही रहती हैं और उनकी फैमिली से बहुत ज्यादा घुली मिली भी रहती हैं। हमने देखा जब रिसेंटली हिमांशी ने अपनी पिक्चर पोस्ट की, उसमें हिमांशी बहुत ही खुश नजर आ रही थी और इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस। इस पर बहुत ज्यादा अच्छे कॉमेंट्स आए हिमांशी को, और कुछ लोगों ने बहुत बैड कॉमेंट्स भी किए उनके फ्रेंड्स ने, लेकिन उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया और अपने रिलेशन का एक अच्छा स्टार्ट किया, और वो अपने रिलेशन को बहुत ज्यादा टाइम देते हुए नजर आती हैं। अक्सर हमने देखा वो अब हर जगह आसिम के साथ नजर आती हैं। आसिम भी उन्हें बहुत ज्यादा केयर करते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों ने एंगेजमेंट करने का फैसला किया। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा। आसिम और हिमांशी के फैंस के लिए ये गुड न्यूज थी, आप लोग क्या सोचते हैं कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कॉमेंट शेयर करें और प्लीज बेल आइकन के बटन को दबा दें, इससे आपके पास पहुंचने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले देखेंगे। सो प्लीज डोंट फॉरगेट बेल आइकन, ताकि आप हर नई आने वाली खबर से बाखबर रह सकें। थैंक यू सो मच।